नमस्कार, मैं निजा। पिता ने बेटी को दुल्हा बनाकर निकाली बारात। बोले, बेटियों को भी मिलना चाहिए बराबरी का हक। बारात निकलते हुए सबने देखा होगा, लेकिन सेहरा बांधकर दूल्हा बनी और बग्घी पर सवार युवती को शायद ही देखा हो। नए ख्यालों और जज्बातों की अनोखी मिसाल देखने को मिली मुरादाबाद शहर के राम गंगा विहार हिमगिरी कॉलोनी में। बैंड बाजों की धुन के बीच दूल्हे की तरह सेहरा बांधे बग्घी पर सवार युवती को देखकर हर कोई निहाल हो रहा था और नए दौर की नई कहानी का आगाज भी हो रहा था। महासभा के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने महिलाओं को समानता का अधिकार देने की अनोखी पहल अंदाज में शुरू की। दरअसल उन्होंने अपनी बेटी श्वेता भारद्वाज के विवाह के अवसर पर एक नई परंपरा की नींव डाली। लड़कों की तरह बेटी की बारात निकालने का निर्णय लिया और बग्घी पर बैठाकर ढोल नगाड़ों के बीच कॉलोनी से बारात निकलवाई। लड़की के पिता राजेश शर्मा का कहना है कि यह काम मैंने इसलिए किया, जो लोग बेटियों और बेटों में भेदभाव की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों की सोच में बदलाव आना चाहिए। 27 साल पहले मुझे खुशी मनाने का अवसर नहीं मिला, ऐसे में मैंने इस अवसर को चुना ताकि यह संदेश समाज के हर वर्ग के लोगों तक पहुँचे। मेरा मानना है कि लड़कियों को भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। आशा है कि निश्चित रूप से समाज को इस परंपरा से प्रेरणा मिलेगी और वे अपनी बेटियों को बेटों की तरह समानता का अवसर दें। लड़की के पिता का कहना है कि उन्होंने महिलाओं को समानता का अधिकार देने के लिए बेटी की बारात निकाली है। ये बारात ठीक वैसे ही निकली जैसे पुरुष की शादी के दौरान निकलती है। लड़की की बारात देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वहीं अपनी बारात निकलता देख दुल्हन भी खुशी के चलते फूले नहीं समा रही और जमकर दुल्हन ने भी अपनी बारात में डांस किया। राजेश शर्मा का कहना है कि बहन बेटियों को समानता के अधिकार के साथ जीने का अवसर दें और उन्हें सशक्तिकरण की ओर अग्रसित करें। उन्होंने कहा है कि साथ ही ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि कभी बेटी और बेटे में फर्क नहीं करना चाहिए। दुल्हन सिमरन का कहना है कि मेरे माता पिता ने मुझे लड़के की तरह पाला है, कभी भी लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच।